हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th की एक पोयम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये पोयम आपकी इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। अबाउट द पोएट एंड पोयम। पोयम मतलब हम कवि के बारे में और कविता के बारे में कुछ बातें जानेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स और हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता का कुछ हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम पोएट यानी कवि के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कैरोलिन वेल्स, पोएट का नाम कैरोलिन वेल्स था। वो अमेरिका की रहने वाली थी। वो एक राइटर और पोएट थी। उनका बर्थ मतलब उनका जन्म 18 जून 1862 को हुआ था और उनकी डेथ 26 मार्च 1942 को हुई थी। आइए दोस्तों, अब हम पोम यानी कविता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, ये एक ह्यूमरस पोयम है, यानी कि ये कविता कवि ने कुछ इस तरीके से लिखी है कि ये बहुत ही फनी तरीके बताती है डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के। तो दोस्तों, आइए हम बिना किसी देरी के कविता शुरू करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लायन। मतलब कभी इत्तेफाक से तुम कभी ईस्ट के जंगलों में जाओ और वहां तुम्हें एक टॉनी बीस्ट मतलब गहरे पीले रंग का एक बड़ा सा जानवर दिखे और वो तुम्हारी तरफ देखकर घुर्रा रहा हो जैसे कि तुम मरने वाले हो, तो तुम समझ लेना कि वो एक एशियन लायन है। दोस्तों, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है ABABCC। राइमिंग स्कीम हम हमेशा लास्ट के वर्ड्स के हिसाब से देखते हैं, चेक करते हैं। पहले वर्ड को हम हमेशा ए अल्फाबेट देते हैं और उसके हिसाब से हम बाकी वर्ड्स की राइमिंग मैच करते हैं। तो आइए यहाँ भी वैसा ही करते हैं। चांस की राइमिंग स्कीम हम बाकी वर्ड्स के साथ मैच करेंगे। चांस ईस्ट, ईस्ट चांस। दोस्तों, ये दोनों तो मैच नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले वर्ड को हमेशा ए अल्फाबेट देते हैं, तो ईस्ट को हम सेम अल्फाबेट नहीं दे सकते क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है, तो हमने ईस्ट को बी अल्फाबेट दे दिया। उसी तरीके से हमने चेक किया तो एडवांस चांस, चांस और एडवांस दोनों मैच हो रहे हैं, तो हमने दोनों को ए अल्फाबेट दे दिया। ईस्ट और बीस्ट मैच हो रहे हैं, इसलिए उन दोनों का अल्फाबेट बी हो गया। इसी तरीके से डाइंग और लायन मैच हो रहे हैं, तो उन दोनों को सी अल्फाबेट मिलेगा। अगला स्टैंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल बीस्ट ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। दोस्तों, इसका मतलब है अगर कभी घूमते हुए कोई शांत सा जंगली जानवर तुम्हें दिख जाए और वो तुम्हें नमस्कार करे, उसके ऊपर काली धारियां हो जो येलो ग्राउंड के ऊपर हो, मतलब उसकी येलो खाल के ऊपर हो, पीली खाल के ऊपर हो, और ध्यान देना वो तुम्हें खाए, इन्हीं सब चीजों से तुम्हें पता लग जाएगा कि वो एक बंगाल टाइगर है। दोस्तों, इस स्टैंजा की राइमिंग स्कीम भी ABABCC ही है। आप चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। राउंड और ग्राउंड दोनों राइम करेंगे, राउंड ग्राउंड, ग्राउंड राउंड, इसीलिए हम इन दोनों को ए अल्फाबेट देंगे। इसी तरीके से यू और यू, दोस्तों ये दोनों तो वर्ड्स ही सेम है, तो इन दोनों को बी अल्फाबेट मिलेगा। और बी अल्फाबेट इसलिए मिलेगा क्योंकि यू जो वर्ड है वो राउंड या ग्राउंड के साथ मैच नहीं हो रहा है। इसी तरीके से लर्न और डिसर्न
दोनों मैच हो रहे हैं, इसलिए इन्हें सी अल्फाबेट मिला है। अगला पैराग्राफ है, इस स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सून एज ही लेप्ट ऑन यू यू विल नो इट इज द लेपर्ड इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही ओनली लेप एंड लेप अगेन। दोस्तों इसका मतलब है, और तुम्हें अगर एक बीस्ट यानी एक खूंखार जानवर दिखे जिसके ऊपर काले धब्बे हों जो ऐसे लग रहे हों कि छिड़क रखे हैं, और जैसे ही वो तुम पर आके लेपट जाए तुम्हें पता लग जाएगा कि वो एक लेपर्ड है यानी एक तेंदुआ है, वो कुछ नहीं करेगा, वो घुर्राएगा भी नहीं, वो जस्ट तुम्हारे ऊपर लिपटता रहेगा और दोबारा लिपटता रहेगा। दोस्तों इस पैसेज की राइमिंग स्कीम भी सेम है, ए बी ए बी सी सी। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। आगे पोयम हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में क्या पढ़ा और क्या सीखा? अबाउट द पोएट एंड पोयम हमने कवि के बारे में और कविता के बारे में कुछ बातें जानी थी, जैसे कि पोएट का नाम कैरोलिन वेल्स था, वो अमेरिका के रहने वाली थी, और ये पोयम एक ह्यूमरस पोयम है यानी ये बहुत ही फनी तरीके से डेंजरस एनिमल्स को पहचानने के तरीके बताती है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और हमने हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का कुछ हिस्सा इस वीडियो में पढ़ा। दोस्तों आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोयम जरूर पढ़ें, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए और भी मजा आए आगे पढ़ने में। आइए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे और क्या सीखेंगे। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और हम अगली वीडियो में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की आगे की पोयम पढ़ेंगे। थैंक यू।